मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। स्थानीय रहवासियों ने अवैध निर्माण की शिकायत की है। 7 दिनों में तोड़ा जाए अवैध निर्माण, वरना अवैध निर्माण और दोषियों के खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे। यह हादसा अवैध निर्माण का ही परिणाम है। कमलनाथ ने रेस्क्यू ऑपरेशन की गति पर भी उठाए सवाल है। वही कहा है कि हमारी सरकार आगे आएगी तो हम जिले के रैपिड रेस्क्यू फोर्स का गठन किया जाएगा, तो वही 15 मिनट के मौके पर पहुंच जाएगी। आर्मी की टीम 12 घंटे बाद पहुंची, तब तक कोई प्रबंध नहीं हुआ। और इस स्मार्ट सिटी को कहने वाले यह शर्म की बात है कि लोगों ने बताया कि शिवराज जी हमसे बात नहीं कर रहे हैं। वही उन्होंने कहा है कि ना ही बात सुनी है। शिवराज जी केवल इवेंट और मीडिया के सामने दो बातें करते हैं। वही मुआवजे में जब सब साफ कर दिया है, जब भी मंदिर की घंटी बजेगी मृतकों के परिजनों को दुख पहुंचेगा। रहवासियों ने स्थानीय नेताओं के दबाव और प्रभाव के खिलाफ भी कमलनाथ जी के सामने अपनी बात रखी है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने इंदौर के एप्पल हॉस्पिटल पहुंचकर बिलेश्वर महादेव मंदिर हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की एवं सभी का कुशल में जाना। हम तो ये मांग करते हैं कि 7 दिन में अभी जो लोगों ने मांग रखी है सामने, इस सब को डिमोलिश किया जाए, तोड़ा जाए। और हम 7 दिन के अंदर नहीं किया, हम कोर्ट जाएंगे PIL में कि अपराधियों को दंडित किया जाए और इसको तोड़ा जाए। ये आज अवैध निर्माण का परिणाम है। लोगों ने सर क्या क्या परिजनों से बात हुई आपकी? मेरी परिजनों से बात हुई, उन्होंने कहा कि किस तरह वो जीवित निकले, उन्होंने अपनी बातें बताई। और हमारी सरकार आएगी, हम रैपिड रेस्क्यू फोर्स बनाएंगे। हर जिले में, हर अपने बड़े नगरों में रैपिड रेस्क्यू फोर्स होनी चाहिए जो 15 मिनट के अंदर पहुँच जाए। या हमारी फौज आर्मी 12 घंटे बाद पहुँची, कोई प्रबंध नहीं, और इसे हम स्मार्ट सिटी कहते हैं। शर्म की बात है। प्रधानमंत्री भोपाल आ रहे हैं, वो बताएंगे कि उसके आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये शिवराज सिंह जी सोचते हैं, अभी ये सब बात आप सबके सामने कह रहे थे कि शिवराज जी ने हमसे बात तक नहीं करी, हमारी बात नहीं सुनी। शिवराज जी सोचते हैं कि केवल इवेंट आपके मीडिया के सामने आ जाए, 2 लाइन बोल दे और मामला खत्म, और मुआवजा दे दो, मुआवजा से सब कुछ साफ। इस मामले में बात की थी आपने शिवराज जी से? मेरी बात नहीं हुई शिवराज जी। सर, 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 आम जनता गवाह है, मेरे को कहने की बात नहीं है। जो जनता ने मुझे कहा है मैं वो बात कह रहा हूँ। सर, कोई बड़े अधिकारी पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई?